नमस्कार, पोलखोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं बैढ़न से बीजपुर मार्ग के 1 किलोमीटर अंदर। यह शासन का मार्ग है, यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर हम हैं। हमारे चारों तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ज़मीनों की अवैध खुदाई की जा रही है। पूरी तरीके से यह अवैध खुदाई की जा रही है, मगर सोचने की बात एक है कि यह जो खुदाई की जा रही है यह मिट्टी के लिए नहीं की जा रही है। जिस तरीके से अपने सिंगरौली ज़िले में मिट्टी माफिया हो या रेत माफिया हो पूरी तरीके से सक्रिय हैं, यह देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि यह जो खुदाई है लगातार मिट्टी के लिए, यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई खुदाई नहीं है, यह रेत के लिए खुदाई की जा रही है। हमारे सामने आप देख सकते हैं यह खुदी हुई रेत पड़ी हुई है। यह रेत जो है यह खुदी हुई पड़ी हुई है और इसका उपयोग भी बहुत अच्छे से सरकारी कामों में लाया जा रहा है, मगर अफसोस की बात यह है कि यहाँ के ठेकेदार चंद रुपयों को बचाने के लिए सरकारी भवनों में इस गुणवत्ता विहीन बालू का उपयोग करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। मगर सोचने की सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा जो सरकारी भवन बनाया जा रहा है उसके देख रेख के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या तो यहाँ का मटेरियल चेक करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रशासनिक अधिकारी ना देखने आ रहा है ना बोलने आ रहा है। हमारी पोलखोल की टीम जब इधर से गुजर रही थी तो यहाँ इस जगह पे करीब 3-4 जगह पे लगातार खुदाई की गई है और जो कि साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ से लगातार बालू निकालने का कार्य किया जा रहा है और इस बालू का लगातार यहाँ से ढुलाई करके उस जगह पर पहुँचाया जा रहा है। हमारी टीम आपको यह भी दिखाएगी कि इस बालू का उपयोग किस जगह पर किया जा रहा है और किस लिए किया जा रहा है, मगर सोचने वाली बात यह है कि सिंगरौली ज़िले में जो कि बैढ़न मुख्यालय है, प्रशासन के नाकों नीचे जो रेत माफिया हैं लगातार अपना कार्य धड़ल्ले से किए जा रहे हैं लेकिन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। यह सोचने की बहुत बड़ी बात है कि प्रशासन अभी तक इस कार्य को देखने के लिए आगे क्यों नहीं आया। अब देखना यह है कि हमारी न्यूज़ के बाद प्रशासन एक्शन में आता है या फिर कुंभकर्णी नींद में सोया रहता है। कैमरामैन गोलू सोनी के साथ अमित सिंह, धन्यवाद। क्या आप भी बाहर की दवाइयों को लेकर रहते हैं परेशान? तो अब आपकी परेशानी हो गई है यूं खत्म। आज ही आए ज्योति मेडिकल स्टोर, जहां उपलब्ध है आयुर्वेदिक और सारी अंग्रेजी दवाइयां 10% की भारी छूट के साथ। साथ ही बड़े शहर जैसे बनारस, चेन्नई, जबलपुर और दिल्ली के साथ साथ NCL, नेहरू और NTPC की पर्चियों की दवाइयां भी आसानी से उपलब्ध हैं। अब घर बैठे कभी भी ऑर्डर करें और पाएं फ्री डिलीवरी। आज ही संपर्क करें। हमारा पता है ज्योति मेडिकल स्टोर, UBI रोड, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। क्या आप भी मिस कर रहे हैं आपके फेवरेट फूड को? तो आज ही आए इंजीनियर कैफे फास्ट फूड जोन, जहां आपको मिलता है पिज्जा, बर्गर और साथ ही फास्ट फूड की सारी वैरायटी बेस्ट सर्विसेज के साथ। तो फिर और कहीं क्यों जाना, आज विजिट करें हमारे प्रतिष्ठान। हमारा पता है ताली मेन रोड, जी ऑफिस के बगल में, बैढ़न सिंगरौली, मध्य प्रदेश। साथ ही आप हमें कॉल या ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8818 1652 9589 5767 600। आपके शहर आपके बैढ़न में निरंतर 60 वर्षों से आपके सेवा में नयन सुख ऑप्टिकल। हमारे यहाँ सारे ब्रांडेड चश्मे का एकमात्र शोरूम है, साथ ही आंखों का चेकअप फ्री में कराएं। पाए ब्रांडेड चश्मे उचित दामों में, एकमात्र प्रतिष्ठान जहाँ पाए चश्मे की भरपूर वैरायटी। यहाँ आपको मिलने वाले हैं ब्रांडेड चश्मे, नजर के चश्मे और बेहतरीन फ्रेम की कलेक्शन। अगर आप भी धूप का चश्मा या नजर का चश्मा बनवाना चाहते हैं तो नयन सुख ऑप्टिकल पर जरूर विजिट करें। हमारा पता है कॉलेज रोड, बिलौजी, बैढ़न, मध्य प्रदेश, और दूसरा है नयन सुख ऑप्टिकल शोरूम, शिवाजी कॉम्प्लेक्स, बिंदनगर, दुकान नंबर 58। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 07805355408 8887869309। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।